अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट असलम और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल असलम दोस्त। नाजरीन ये कपासा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ए सी की सी 3 रही थी, रहता तकरीबन अभी दो निकल गए, मैंने विज़िट किया तो मतलब फुलगुडी अभी बेहतरीन लगा हुआ है अपने इलाके की नस्बत। बाकी आपको पता है ज़मीनों का भी फ़र्क होता है, पानी का भी फ़र्क होता है, तो वो तो ज़ाहिर है कोई झूठ नहीं बोल रहा होता। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं गंदम हो या कपास हो, कोई बोलता है भाई 60 मण मैंने उठाया है तो दूसरा 20 मण उठा चुका होता है, तो ये फिर नशोनुमा पानी और इस तरह की और चीज़ें जो हैं ज़मीन उनका फ़र्क होता है ना। बाकी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये इस टाइम लगा हुआ था, मैंने विज़िट किया, मैंने देखा, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूं, क्योंकि अभी तकरीबन 60 दिन पूरे होने वाले थे तो इस पे मैंने बीता और सोना यूरिया भी डाला था, तो तब ज़मीन के हिसाब से। बाकी फिर उसके बाद मैं गया मतलब दो चार दिन बाद, क्योंकि फूल मैंने देखा हल्का फुल्का गिर रहे हैं, शायद गर्मी की वजह भी हो, हमारे यहाँ टेम्परेचर 40+45-44 चल रहा है, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि अभी फुलगुडी वाला जो मतलब स्प्रे है वो शुरू किया जाए ताकि ये जो फूल गिर रहे हैं से बचाया जाए। तो ये दोस्त भाई लोग अभी लगा रहे हैं, वो भी मैंने वीडियो भरा आप लोगों को दिखा सकूं। बाकी आप लोगों को पता है ज़मीन एक जैसा कहीं पे भी नहीं होता, कोई एकड़ कैसा है एकड़ कैसा है, पर कोई अपने हिसाब से मतलब ये ज़मीनों का फ़र्क होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया पानी का भी फ़र्क होता है, कहीं पे मीठा कहीं पे कड़वा कहीं पे फीका, फिर बाकी जो मुख्तलिफ खादें डालते हैं कोई क्या उनका भी फ़र्क ज़ाहिर है पड़ता है। लेकिन जो मेरा हिसाब है हमारे इलाके की नस्बत से तो काफ़ी बेहतर था जिस किस्म की देखभाल की गई। मैंने कहा आप लोगों को भी ये वीडियो दिखाऊँ, आप लोग भी अपना कॉमेंट्स में जवाब दें, हो सकता है किसी किस्म की कमी पेशी है या जो कुछ आप लोगों को समझ आ जाए, जो इस बारे में नॉलेज रखते हैं वो अपना कमेंट नीचे दे सकते हैं। तो ये अभी सुखिया भाई इस वक्त लगा रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने दिया था दूसरे भाई को, वो क्या कर रहे थे थोड़ा रुक रुक के मतलब एक एक पौधे को, मैंने कहा इस तरह नहीं लगाना चाहिए, बस ये है कि स्प्रे है थोड़ा सा उनको लग जाए भी फुलगुडी, ताकि ये जो गिर रहे हैं खासकर फूल उनको गिराने से रोका जाए। तो ये इस भाई का है था भी थोड़ा छोटा, लेकिन अभी मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने भी ज़िद किया कि भाई मेरा भी फसल है, तो मैंने कहा चलो आप भी लगा लो मसला नहीं है, लेकिन फिर भी काबिल है लगाने के जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो बाकी चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो कोशिश करूंगा आप लोगों को देता रहूंगा, हंटिंग के बारे में हो या जिस तरह के ब्लॉग हो, या अभी इंशाल्लाह खैर करेगा भुट्टी के बारे में हो या फिर गंदम या सरसों, जिस तरह की भी नॉलेज मेरे हाथ में हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को देता रहूंगा। आप लोगों की प्यार मोहब्बत का शुक्रिया, तो मैं बहुत जल्द आऊँगा इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ।